हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया सैमसंग A50। इसका जो प्रॉब्लम है, सैमसंग गैलेक्सी A50 आके हैंग होके बैठ जाता है, ठीक है ना। ऑन होता है, ना चार्ज होता है, ना ऑफ होता है। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50 आके बैठ गया, ये सारा दिन भर रात भर ऐसे ही बैठे रहेगा, ठीक है। इसका प्रॉब्लम हैंग लोगो प्रॉब्लम। एक्चुअली कस्टमर ने इसका सॉफ्टवेयर भी किया है, हाँ बहुत सारी जगह में घूम के भी आया है। तो अभी हम इसमें ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ठीक करने के लिए। देखता है ये वीडियो में ये ठीक होता है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मेरा वीडियो स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, तब समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये लगभग थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। सेम टू सेम प्रॉब्लम, मैंने बैटरी निकाला, दोबारा लगाया, फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा देर देखते हैं क्या होता है, अगर खुल जाए है कि नहीं। तो इसलिए ये 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, नहीं खुल रहा है, हैंग लोगो। तो चलो अभी इसका मदरबोर्ड में काम शुरू करते हैं। डायरेक्ट आपको पावर आईसी को चेंज करना है। पावर आईसी का टीना को निकाल दो, टीना को ट्वीजर से निकलने से अच्छा होता है, ठीक है। ट्वीजर से निकल दीजिएगा, मेरा ख्याल से वही अच्छा है, बाकी आपका मर्जी। आईसी के ऊपर में थोड़ा सा पेस्ट लगा के आईसी को हीट देके फिर आईसी को निकालना है, ठीक है।
फिर आयरन से इसी तरह से मदरबोर्ड में जो बॉल रहता है ये सबको अच्छे से साफ करना है, ठीक है। सेम टू सेम जब आप नया एसी लगाएगा या पुराना एसी लगाओ उसको ऊपर में भी सेम टू सेम आयरन से साफ करना चाहिए। मैं जो एसी लगाएगा अभी वो पहले से किया हुआ है साफ, इसलिए उसको नहीं दिखाएगा अभी, ठीक है। आईसी को कैसे निकालना चाहिए, कैसे बैठाना चाहिए, इसके बारे में मेरा बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाके वहाँ पे देख लो अगर आप नया देख रहे हैं तो। आईसी लगाने के बाद में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आईसी को ठंडा होने के लिए, ठीक है। फिर चेक कीजिएगा, ठीक है। आईसी अभी भी थोड़ा गर्म है, थोड़ा नहीं अच्छा ही गर्म है। तो चलो दोस्तों अभी इसको चेक करना है ये मेरा काम सक्सेस हुआ कि नहीं, देखता है क्या होता है। ऑन तो हो गया अभी अभी अभी। ओ यस सक्सेस, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से काम करते रहो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है दोस्तों। ये कस्टमर का कहना था पहले किसी ने चैप्टर किया नहीं हुआ दो चार जगह में दिखाया फिर भी नहीं हुआ, तब जाके मेरे पास आया तो मैंने पावर आईसी को चेंज कर दिया। 100% काम सक्सेस हो गया, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। कंप्लीट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चैप्टर किया है इसलिए, ठीक है।